Hey everyone, today we discuss about case presentation on tracheoesophageal fistula. Tracheoesophageal fistula एक child health nursing में disorder है जो कि mainly child में cause होता है. At birth baby में जो trachea और esophagus tubes होती हैं वो आपस में connect होती हैं, उनमें connections होता है, abnormal connection. ट्रैकिया विंड पाइप होती है, इसोफेगस फूड पाइप होती है, दोनों में एब्नॉर्मल कनेक्शन होता है जिसे हम ट्रैकोएसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं. सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री एंड चीफ कंप्लेन आइडेंटिफिकेशन डेटा, फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और कंप्लीट एग्जामिनेशन करने के बाद हम इन्वेस्टिगेशन, मेडिकेशन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चेक करते हैं. देन उसके बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे जिससे हमें पता चले कि क्या एबनॉर्मलिटीज हैं, कहाँ से कनेक्ट है. फिर उसके बाद मैनेजमेंट करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव एंड प्री ऑपरेटिव, बिकॉज ये ऑपरेटिव के थ्रू ही ठीक होती है. नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे, 3 नर्सिंग एनसीपी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है. देन उसके बाद हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपको कैसे केयर करनी है, आपको हाइजीन एंड डाइट कैसे मेंटेन करना है. लास्ट में हम समरी एंड कंक्लूजन ऐड करेंगे विद बिब्लियोग्राफी. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू कॉमेंट.